हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में एंटीक कंप्यूटर स्टोर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो मदरबोर्ड्स के बारे में जो कि सपोर्ट करते हैं एमडी राइजन के प्रोसेसर को। तो दोस्तों, पहला जो मदरबोर्ड है वो है गीगाबाइट की तरफ से, जो कि है B450MDS3H, और दूसरा जो मदरबोर्ड है वो है MSI का, जो कि है B450 Pro VDH Max। तो दोस्तों, दोनों ही जो मदरबोर्ड है वो B450 चिपसेट के मदरबोर्ड है, दोनों ही जो है वो राइजन के प्रोसेसर को सपोर्ट करते हैं, और दोनों ही मदरबोर्ड जो है वो राइजन 3 और राइजन 5 के लिए एकदम परफेक्ट मदरबोर्ड है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे दोनों मदरबोर्ड्स को, उनके फीचर्स को, उनके टेक्निकल डिटेल्स को और उनके प्राइस को, और हम ये जानेंगे कि कौन सा मदरबोर्ड आपको खरीदना चाहिए और कौन सा मदरबोर्ड आपको नहीं खरीदना चाहिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं गीगाबाइट के मदरबोर्ड की, जो कि है B450MDS3H। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें दो साटा केबल मिलती है। इसमें आपको मिलता है आयो पैनल, मदरबोर्ड की आयो पैनल इसमें आपको मिलेगा। इसमें आपको मिलता है मैनुअल और इसमें आपको मिलता है DVD, ड्राइवर का DVD दोस्तों। लेकिन इसमें आपको M2 वाली जो SSD आती है उसका स्क्रू नहीं मिलता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जहां तक मुझे लगता है कि वो जो स्क्रू होता है वो बाहर हमें मिलता नहीं है। तो इस मदरबोर्ड के साथ आपको M2 वाली SSD का जो स्क्रू है वो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, बॉक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है मदरबोर्ड, जो कि रहा मेरे हाथ में। तो जैसे ही आप इसे देखते हैं तो आपको लगेगा कि एक छोटे साइज का मदरबोर्ड है। इसका जो लुक है वो कोई ज़्यादा खास नहीं है, एक बेसिक टाइप का मदरबोर्ड लगता है, B450 का मदरबोर्ड है, लेकिन एक बेसिक मदरबोर्ड ये लगता है देखने में। वही जो इसका PCB है वो थोड़ा कमज़ोर है, क्योंकि इसका वजन काफ़ी कम है, तो इसका PCB इतना स्ट्रांग नहीं है। आगे बात करते हैं तो इसमें आपको 4 रैम स्लॉट मिलते हैं, जो कि सपोर्ट करते हैं 64GB तक, 64GB तक। वही फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो जो रैम की फ्रीक्वेंसी है वो सपोर्ट करती है 3600 MHz तक, यानी 3600 MHz तक की रैम सपोर्ट करता है। आगे इसमें आपको एक M2 वाली SSD का स्लॉट मिल जाएगा, साटा के लिए आपको 4 स्लॉट मिल जाएंगे। इसमें आपको USB 3.0 का एक पोर्ट मिल जाएगा, इसमें एक RGB हेडर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपको लिक्विड कूलिंग सपोर्ट नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर लिक्विड कूलिंग का जो आयो पैनल होता है पंप का, वो इसमें नहीं दिया हुआ है। वहीं इसमें हीटिंग की बात करते हैं तो एक यहाँ पे हीटिंग है, और जो इसकी मेन चिप है उस पर बहुत ही छोटी सी एक हीटिंग है। तो दोस्तों, इसमें ग्राफिक्स के जो पोर्ट है वो दो है, हालांकि दो ग्राफिक्स पोर्ट इस मदरबोर्ड में किसी काम के नहीं है, क्योंकि जब आप इस बजट में कोई PC बनाते हैं तो आप एक ही ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे, दूसरा ग्राफिक्स कार्ड आपके किसी भी काम का नहीं है। और ये जो स्ट्रिप है, ये इसमें येलो कलर की लाइटिंग होगी, जब इसे आप कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, बैक साइड की अगर बात करते हैं तो बैक साइड में इसमें आपको मिलता है एक PS2 कीबोर्ड माउस का पोर्ट, दो USB 2.0 के पोर्ट। इसमें आपको मिलता है एक DVI पोर्ट, एक HDMI पोर्ट मिलता है। इसमें आपको मिलता है USB 3.0 के 4 पोर्ट। इसमें आपको यहाँ पे फिर से 2.0 के 2 पोर्ट मिलते हैं, एक RJ45 का कनेक्टर है और साउंड का कनेक्टर है। तो दोस्तों, इसके अंदर VGA नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसा LED मॉनिटर है जिसमें VGA है तो आप ये वाला मदरबोर्ड ना खरीदें, ये वाला मदरबोर्ड फिर आपके काम का नहीं रहेगा। फिर आपको एक कन्वर्टर लगाना पड़ेगा, या तो DVI to VGA वाला, या फिर HDMI to VGA वाला, लेकिन कन्वर्टर में वो क्वालिटी नहीं आती जो कि मेन बोर्ड वाले पोर्ट पे आती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं MSI का मदरबोर्ड, जो कि है B450 Pro VDH Max। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इसके बॉक्स में क्या क्या हमको मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें मिलेंगी दो साटा केबल्स, जो कि ये रही। उसके बाद हमें मिलेगा एक आयो पैनल, मदरबोर्ड की जो बैक प्लेट होती है। उसके बाद हमें इसमें मिलेगा मैनुअल, ये मैनुअल हमें मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और मैनुअल है, ये वाला। फिर हमारे पास है ड्राइवर की DVD, ये ड्राइवर की DVD आपको मिलेगी। और इसमें हमें मिलेगा एक गेमिंग लोगो, ड्रैगन वाला, ये वाला एक हमें गेमिंग लोगो इसके बॉक्स में मिलेगा। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो मुझे अभी एसेसरीज में लगता है वो है M2 SSD वाला स्क्रू, जो कि इस बॉक्स में आपको मिलेगा, MSI वाले मदरबोर्ड के साथ आपको मिलेगा, वहीं गीगाबाइट वाले मदरबोर्ड के साथ आपको ये नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं MSI के मदरबोर्ड के बारे में, जो कि है B450 Pro VDH Max। तो दोस्तों, जैसे ही आप इसे देखेंगे तो आपको लगेगा इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, ये आपको वाकई में एक गेमिंग लुक देता है, और जो इसका वजन है वो भी काफ़ी है। तो इसका जो PCB है वो थोड़ा स्ट्रांग है, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो इसमें आपको रैम स्लॉट मिलते हैं 4, जो कि सपोर्ट करते हैं 64GB तक। वहीं रैम की फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं तो ये 38MHz तक की रैम सपोर्ट करता है, लेकिन आप इसे 3600 MHz तक ही माने। वहीं आगे बात करते हैं तो इसमें आपको ग्राफिक्स का स्लॉट मिलता है, जो कि कवर्ड है मेटल से, तो थोड़ा स्ट्रांग रहेगा इसमें ग्राफिक्स कार्ड। M2 वाली SSD का एक स्लॉट इसमें मिलता है आपको। दोस्तों, इसमें हीटिंग थोड़ी ज़्यादा है, जो इसकी VRAM है उस पर एक हीटिंग दी है, जो कि काफ़ी अच्छी है। वहीं जो इसकी मेन चिप है उस पर भी एक काफ़ी बड़ी सी हीटिंग दी हुई है। तो साटा के लिए इसमें आपको 4 स्लॉट मिलेंगे, USB 3.0 का पोर्ट मिल जाएगा, इसमें आपको एक RGB हेडर भी मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों इसमें भी आपको लिक्विड कूलिंग के पंप के लिए आयो पैनल नहीं मिलेगा, तो लिक्विड कूलिंग भी इसमें सपोर्ट नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं तो इसमें आपको PS2 कीबोर्ड माउस का एक पोर्ट मिलेगा,
दो यूएसबी 2.0 के पोर्ट है, इसमें आपको डीवीआई मिलता है। तो दोस्तों इसमें आपको वीजीए भी मिल रहा है जो कि गीगाबाइट वाले मदरबोर्ड में नहीं मिल रहा है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा एलईडी मॉनिटर है, एलसीडी मॉनिटर है जिसमें वीजीए है, तो आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। वही गीगाबाइट वाले में आपको कन्वर्टर लगाना पड़ेगा, कोई एचडीएमआई टू वीजीए वाला या फिर डीवीआई टू वीजीए वाला। तो इसमें ऑनबोर्ड वाला वीजीए है तो बहुत बढ़िया क्वालिटी आपको आएगी पिक्चर की। तो आगे इसमें आपको एचडीएमआई पोर्ट भी है, यूएसबी 2.0 के दो पोर्ट यहाँ पर भी हैं, और इसमें आपको यूएसबी 3.0 के चार पोर्ट हैं, RJ45 का कनेक्टर है और साउंड का पोर्ट है। तो दोस्तों ये वाला मदरबोर्ड थोड़ा अच्छा है, हेवी है। तो दोस्तों हम दोनों मदरबोर्ड को आपस में रख के कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं साइज़ की। तो जो गीगाबाइट वाला मदरबोर्ड है वो साइज़ में थोड़ा छोटा है कम्पेयर टू MSI वाला मदरबोर्ड। आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको साइज़ का पता चलेगा। ये देखिए गीगाबाइट का मदरबोर्ड जो है वो यहाँ तक है, जबकि MSI का मदरबोर्ड आगे भी जा रहा है। तो जो साइज़ है वो MSI वाले मदरबोर्ड का थोड़ा बड़ा है, जो कि एक गेमिंग लुक देता है, देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो दोस्तों भाई आगे बात करते हैं। तो गीगाबाइट वाला जो बोर्ड है उसमें आपको हीटिंग यहाँ मिलती है, और मेन चिप पे भी एक हीटिंग, लेकिन बहुत कम है। वही है जब अपन जब MSI वाले की बात करते हो, तो जो MSI वाला मदरबोर्ड है उसकी VRAM पे काफ़ी बड़ी एक हीटिंग लगी हुई है, और इसकी जो मेन चिप है इस पर भी काफ़ी अच्छी और बड़ी हीटिंग लगी हुई है। बाकी सारे फीचर सेम है, चार रैम के स्लॉट हैं, इसमें भी चार रैम के स्लॉट हैं, दोनों में चार चार रैम के स्लॉट हैं, दोनों ही 64 GB तक की रैम सपोर्ट करते हैं, दोनों में M2 वाली SSD का स्लॉट है, USB 3.0 के स्लॉट हैं, RGB हेडर हैं। दोनों में ही लिक्विड कूलिंग सपोर्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि दोनों में ही पंप के लिए IO पैनल नहीं है। वहीं बस इसके अंदर आपको गीगाबाइट वाला जो मदरबोर्ड, उसमें आपको दो ग्राफिक्स के स्लॉट मिलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मदरबोर्ड के साथ में दो ग्राफिक्स कार्ड किसी काम के हैं। वहीं MSI वाले जो ग्राफिक्स वहीं MSI वाला जो मदरबोर्ड, उसमें आपको एक ग्राफिक्स कार्ड का स्लॉट मिलता है, लेकिन वो भी मेटल से कवर्ड है, जो कि काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। तो दोस्तों हम दोनों ही मदरबोर्ड्स को बैक साइड से कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गीगाबाइट वाला बोर्ड। तो दोस्तों गीगाबाइट वाले मदरबोर्ड में आपको यहाँ पे मिलते हैं दो USB 2.0 के पोर्ट, एक PS2 कीबोर्ड माउस वाला पोर्ट, DVI पोर्ट एक यहाँ पे है, HDMI मिलेगा आपको, चार इसमें USB 3.0 के पोर्ट मिलते हैं, दो वो जो है 2.0 के फिर से आपको यहाँ पे USB के पोर्ट मिलते हैं, RJ45 का कनेक्टर मिलता है, साउंड का एक पोर्ट मिलता है। अब बात करते हैं MSI वाला बोर्ड। तो MSI वाले में सभी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसमें आपको मिलता है VGA। वही जो गीगाबाइट वाला बोर्ड है उसमें आपको वीजीए नहीं मिलता है, तो वीजीए वाला आप अपना एलसीडी मॉनिटर या एलईडी इसमें कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। वही MSI वाले में आप अपना वीजीए वाला एलईडी मॉनिटर या एलसीडी कनेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी चीज़ें सभी सेम है, पीछे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन MSI वाले में आपको वीजीए मिल रहा है, जबकि गीगाबाइट वाले में आपको वीजीए नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने दोनों मदरबोर्ड्स के फीचर्स को देख लिया, उनकी टेक्निकल डिटेल्स को देख लिया, और दोनों मदरबोर्ड्स को हमने कंपेयर भी कर लिया है। तो दोस्तों दोनों ही मदरबोर्ड जो है AMD Ryzen के प्रोसेसर को सपोर्ट करते हैं, B450 वाले मदरबोर्ड है, Ryzen 3 और Ryzen 5 के लिए दोनों परफेक्ट हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्राइस की। तो जो गीगाबाइट वाला बोर्ड है वो आपको मिल जाता है 6,000 रुपये में, वहीं जो MSI वाला मदरबोर्ड है वो आपको मिलेगा 7,000 रुपये में। तो प्राइस का थोड़ा फर्क है, MSI का जो मदरबोर्ड है वो थोड़ा महंगा आता है, कॉस्टली आएगा 1,000 रुपये कंपेयर टू गीगाबाइट वाला मदरबोर्ड। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन सा वाला मदरबोर्ड आपको खरीदना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपका बजट बहुत टाइट है तो आप मदरबोर्ड खरीद लो गीगाबाइट का, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सब कुछ आपका गेमिंग वीडियो एडिटिंग सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 1,000 रुपये से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप खरीद लो MSI का B450 वाला। अब बात करते हैं कि दोनों में से कौन सा मदरबोर्ड बेस्ट है। तो दोनों में से जो मदरबोर्ड बेस्ट है वो है MSI का B450 Pro VDH Specs, क्योंकि इसके अंदर आपको ज़्यादा फीचर मिल रहा है कंपेयर टू गीगाबाइट वाले बोर्ड के। गीगाबाइट का जो बोर्ड है उसमें आपको वीजीए नहीं मिलेगा, इसमें आपको वीजीए मिल जाएगा, और जो MSI का बोर्ड है उसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, उसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, वो आपको गेमिंग लुक देता है, देखने में आपको लगेगा कि हाँ यार हमने एक मदरबोर्ड लगाया है गेमिंग के लिए। वही जो गीगाबाइट वाला बोर्ड है उसका साइज़ छोटा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिक मदरबोर्ड है। जब आप इसे कैबिनेट में कसेंगे तो आपके कैबिनेट में काफ़ी जगह खाली बच जाएगी, तो आपको लगेगा कि मैंने ऐसा कैसा मदरबोर्ड लगा लिया है कि फीलिंग ही नहीं आ रही है गेमिंग वाली। तो इसलिए सबसे बेस्ट मदरबोर्ड इन दोनों में से वो है MSI का B450 Pro VDH Max। वहीं आगे बात करते हैं, तो ये जो मदरबोर्ड है MSI वाला, इसमें आप ओवरक्लॉकिंग भी कर सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन गीगाबाइट वाले बोर्ड मुझे नहीं लगता है कि आप ओवरक्लॉकिंग कर पाएंगे, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी कमज़ोर है। तो दोस्तों अगर आप भी कोई गेमिंग पीसी बनाना चाहते हैं, कोई वीडियो एडिटिंग पीसी बनाना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार का कोई कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं, तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.ondorcomputer.com, या फिर हमें सीधे कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, या फिर इसी प्रकार की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं कंप्यूटर के बारे में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।